धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पहले से जानते हैं जी? हमारे वो रिलेशन में हैं और उनके गांव गढ़ा में हमारे बड़े भाई भी आए हैं, उनके परिवार में ही तो हमारे संबंधी भी हैं, समय समय पर हम मिलते रहते हैं। वो दो भाई हैं, छोटे भाई का नाम उनके सालिग्राम है, एक सिस्टर है जो हमारे ही रिलेशन में ब्याही हुई हैं उनकी, उनके पिताजी का नाम है राम कृपाल गर्ग, माता जी का नाम सरोज गर्ग है, और जिनके वो शिष्य हैं आज की डेट में, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम। आज भारत क्या पूरी धरती के मैं उनके मुकाबले आज कोई विद्वान नहीं है। अश्वत्थामा बलरव्यासो हनुमान सभीषणा कृपा परस रामस्या मार्केंडे चिरंजीवना, ये आज लोग आठ धरती में विद्यमान हैं। तो हनुमान जी जब धरती पर आज विद्यमान हैं तो हनुमान जी की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं, हनुमान जी की महिमा भी विद्यमान है, हनुमान जी की सिद्धियाँ भी विद्यमान हैं, और वो बालाजी के उपासक हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है और बालाजी का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो आम आदमी की तरह हूँ। आप उनकी कई डिबेट में देखिए, वो कहते हैं मैं आम आदमी की तरह, जैसे आप जिंदगी जीते वैसे मैं भी जीता हूँ, खाता हूँ, हंसता हूँ, सोता हूँ, मैं भी सब करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुदेवों का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो जो कर रहे हैं नाम मेरा हो रहा है, काम वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियाँ इसमें पैसा खर्च कर रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हिंदू आज जाग गया तो हम ईसाईकरण नहीं कर पाएंगे, हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो उनको खतरा है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी यही है कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन हम कोई अच्छा करता तो उसकी टांग खींचते। जो संत समाज देखो सनातन को मानता है, शास्त्र को जानता है, वेदों को जानता है, वो उनके साथ है। महाराज जी क्या नाम है आपका? जी मैं स्वामी राजेंद्रानंद हूँ, पंचमुखी बालाजी मंदिर से, रामा बिहार दिल्ली से। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पहले से जानते हैं? जी हमारे वो रिलेशन में हैं और उनके गांव गढ़ा में हमारे बड़े भाई भी आए हैं, उनके परिवार में ही तो हमारे संबंधी भी हैं, और अभी जमनी इस बार के जब कार्यक्रम था तो हमारे पास उनका कार्ड आया था, लेकिन हम उसमें आगरा थे कार्यक्रम में तो हम नहीं मिल पाए थे, तो ऐसी बात नहीं, समय समय पर हम मिलते रहते हैं। वो दो भाई हैं, छोटे भाई का नाम उनके सालिग्राम है, एक सिस्टर है जो हमारे ही रिलेशन में ब्याही हुई हैं उनकी, उनके पिताजी का नाम है राम कृपाल गर्ग, माता जी का नाम सरोज गर्ग है, और जिनके वो शिष्य हैं आज की डेट में, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम। आज भारत क्या पूरी धरती के मैं उनके मुकाबले आज कोई विद्वान नहीं है, आंखों से उनको नहीं दिखता, लेकिन आप उनके पास जाइए तो चारों वेद उपनिषद शास्त्र जहाँ से भी आपको चीज़ पूछनी है तो क्या है कि उनकी ज्ञान इंद्रिय खुली है। और हमारे यहाँ देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का वर्णन शास्त्रों में आया है, ठीक है ना। साधना के द्वारा जो व्यक्ति की ज्ञान इंद्रिय खुल जाती है तो कोई संभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं, सब संभव होता है। अब ये लोग जिनको उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है उसको जान, अब जैसे दिन में 10-20 उल्लू आकर के चिल्लाने लगे कि जी सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? वो तो ठीक कह रहा है उल्लू, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन उल्लू के चिल्लाने से क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? पहले आप बताइए, सूर तो है तो सूर तो है। तो उसी प्रकार से जो लोग बोल रहे हैं उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। आज भी हमारे यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन उन दिव्य शक्तियों को के लिए आपको साधना करना पड़ेगा। कितने आप गंगोत्री और आप हिमालय की उसमें जाइए तलहटी में, जो हजार हजार वर्ष से योगी, अब आप कहोगे तो झूठ है, हजार वर्ष आयु हो ही नहीं सकती, लेकिन नहीं, योगी जिनकी मुद्राएँ सिद्ध हैं हवा पानी रह करके, और वो जीवित हैं, और उन साधनाओं के द्वारा उस ज्ञान का और उस वो जो नेगेटिव वो प्रवचोटिव एनर्जी है उसको उन्होंने समझा है, जाना है, और लोगों के बीच में उन्होंने रखा है। अब ना मानने का तो फिर देखो सवाल है, जब कोई कहता कि भाई हाँ आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन हम आपकी बातें मानेंगे नहीं, तो नहीं मानेंगे तो उसके लिए तो देखो कोई उपाय है नहीं है, समझाया ही जा सकता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये झूठ है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। और वो कहते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देना, पहले आप ये देखिए कि विश्वास की आंखें नहीं होती, विश्वास अंधा ही होता है। आप नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं, जाते क्यों? क्योंकि आपको पता है, विश्वास है कि आप नाई आपके बाल ही काटेगा, नहीं गले में भी छुरा मार सकता है, लेकिन आपको विश्वास है तो ठीक है। तो वो लोग हैं जो अधर्मी हैं, जो सनातन को जानते नहीं हैं, जिन्होंने अध्यात्म की शक्तियों को जाना नहीं है, उनको डर है कि अगर आज, क्योंकि सनातन तो देखो हमारा ये धर्म सनातना, भगवान भी गीता में कहते हैं कि सनातन को ना तो कभी नीचा कोई दिखा सकता है, और जब कोई नीचा दिखाएगा तो अर्जुन ये सनातन मेरे द्वारा प्रदत्त है, संभवामी योगे योगे। जब सनातन पर कोई खतरा आता है तो भगवान कहते फिर मैं किसी को नहीं भेजता, मैं खुद आकर के प्रकट होता हूँ, ठीक है ना। तो सनातन कोई आज का नहीं है, सनात का कोई ना आदि है ना अंत है। आप वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, और उसमें आपको सनातन के बारे में ज्ञान मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो वेदों में बताया गया है कि आठ लोग आज भी धरती पर विद्यमान हैं, मैं आपसे पूछूं, हो सकता है आपको नहीं पता हो, अश्वत्थामा बलरव्यासो हनुमान सभीषणा कृपा परस रामस्या मार्केंडे चिरंजीवना, ये आज लोग आठ धरती में विद्यमान हैं। तो हनुमान जी जब धरती पर आज विद्यमान हैं तो हनुमान जी की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं, हनुमान जी की महिमा भी विद्यमान है, हनुमान की सिद्धियां भी विद्यमान हैं, और वो बालाजी के उपासक हैं।
वो खुद कहते कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मेरे ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है और बालाजी का आशीर्वाद है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो आम आदमी की तरह हूँ। आप उनकी कई डिबेट में देखिए, वो कहते हैं मैं आम आदमी की तरह, जैसे आप जिंदगी जीते वैसे मैं भी जीता हूँ, खाता हूँ, हंसता हूँ, सोता हूँ, मैं भी सब करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे गुरुदेवों का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो जो कर रहे हैं नाम मेरा हो रहा है, काम वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब रही बात, तो जब इतनी बड़ी पावर हनुमान जी महाराज के पास है और अगर हनुमान जी से जुड़ कर के कोई इस तरह का काम कर रहा है तो इसमें तो हमें उसका और उत्साह बढ़ाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। जो उनके दरबार में आकर के जो दूसरे धर्म से भी हैं वो घर वापसी कर रहे हैं और सनातन धर्म को अपना रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक नई शुरुआत हो रही है? ये नई शुरुआत क्या, उनका विवेक जागृत हो गया है उनका, क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, चलो 2 को 4 को 10 को 20 को हम बेवकूफ़ बना देंगे वहाँ, लेकिन अभी परसों नरसों की बात बता दें, 5 लाख पब्लिक थी, 5 लाख आदमियों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उसमें कई बुद्धिजीव होंगे, कई उसमें पढ़े लिखे बच्चे होंगे, वो बेवकूफ़ कैसे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे बेवकूफ़? तो कहीं ना कहीं आदमी को वहाँ वो सच्चाई दिखाई दे रही है, तभी तो आदमी वहाँ जा रहा है, पब्लिक ऐसे जा रहा है, आपके पास क्यों नहीं आ जाता, हमारे पास क्यों नहीं आ जाता, इनके पास क्यों नहीं आ जाता है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास क्यों नहीं लोग जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं देखो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी बड़ी ईसाई मिशनरियाँ इसमें पैसा खर्च कर रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हिंदू आज जाग गया तो हम ईसाईकरण नहीं कर पाएंगे, हमारा मिशन फेल हो जाएगा, तो उनको खतरा है कि हमारा मिशन फेल हो जाएगा, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारे पास वो दुकानदारी हमारी बंद हो जाएगी, उन्हें खतरा है, इसलिए वही लोग इसमें आरोप लगा रहे हैं, बाकी हमारे भारतीयों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ये अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है इनके पीछे कुछ कोई और लोग हैं, कंट्रोल कोई और कर रहा है इनको? बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है, इसमें तो पूरा एक षड्यंत्र है, पूरी की चैन है और पूरी षड्यंत्र चैन, लेकिन कानून के का मुद्दा देखो ठीक है, जब कोई कानून की ऐसी बात आएगी तो कानून उसमें अपना कदम उठाएगा, और रही बात तो अभी धीरेन्द्र बहुत हैं उनको जवाब देने के लिए और उनको सच्चाई बताने के लिए, भी धीरेन्द्र जी बहुत हैं, उनके ऊपर बालाजी का आशीर्वाद है कि इस इनके जो बोलने से हमारा कुछ काम में असर पड़ेगा नहीं, और जो सनातन का झंडा हमने यहाँ पर गाड़ दिया है वो पूरे विश्व में ले रहा है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से देखो क्या, व्यक्ति का जब यश बढ़ता है तो पीछे से अपयश करने वाले, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी यही है कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन जब कोई अच्छा करता तो उसकी टांग खींचते हैं, उसकी टांग खींचते, तो ये उस समय उनका परीक्षा का समय है। आप सब जानते हो कि सोना में बड़ी चमक होती है, लेकिन सोना पहले तपाया जाता है, तो ये उनकी एक परीक्षा की घड़ी है, और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सच्चाई सबके सामने आएंगी, और धीरेन्द्र जी का और भी नाम होगा, अभी देश विदेशों में तो है, लेकिन इस समय जो बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में 200 देश हैं, 200 देशों में उनका नाम होगा, और उनके लिए बहुत अच्छा काम है, उनके साथ बालाजी का संत समाज जो है वो उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल उनके साथ में है। जो संत समाज देखो सनातन को मानता है, शास्त्र को जानता है, वेदों को जानता है, वो उनके साथ है, क्योंकि वो जो साधना का आशीर्वाद उनके साथ है, वो कहते हैं कि ये मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये तो सब संत जानते हैं कि भाई जब जो कोई साधना हम करते हैं तो हमारे शरीर से जो एक एनर्जी निकलती है उसका सीधा प्रकृति से संबंध होता है, ठीक है ना, प्रकृति से संबंध होता है, तो प्रकृति जहाँ जो कुछ होता है वो हलचल सब उस व्यक्ति को जानकारी, लेकिन ये सब साधना का विषय है, आप जल्दी हमारे आपके समझ में नहीं आएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए यही है कि हम प्रार्थना करेंगे बालाजी से भी और भगवान से, ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि राम जी की वो ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो राम जी की भी से भी प्रार्थना करेंगे कि उनको ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि उन ऐसी जो ये दुराचारियों से वो लड़ सकें और उनको जवाब दे सके, और निश्चय रूप से भगवान का ही आशीर्वाद है, तभी वो इतनी बड़ी मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं, और इससे सनातन हमारा जागृत हुआ है, आज हिंदू बच्चे भी हमारे सब जागृत हो रहे हैं, जो दिशा विमृत हो रहे थे उनको सबको मार्ग मिल रहा है, और इसमें कोई हम लोगों को तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं जो करने वाले करने दो, क्योंकि देखो जब बुराई व्यक्ति की होती है तभी वो अच्छाई की बुलंदी पर पहुँचता है, तो सब संतों का उनके साथ आशीर्वाद है, सब संत समाज उनके साथ है, और अभी 18 फरवरी को एक बहुत बड़ा आयोजन महाबागेश्वर धाम में 118 कन्याओं का विवाह हो रहा है, उसमें सब संत समाज भी पहुंचेगा, और जो भी सनातन से जुड़े लोग हैं, जो विभागेश्वर और धीरेन्द्र जी से जुड़े हैं, सब लोग वहां पहुंचेंगे। तो लगातार संत समाज के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे दिल्ली के अंदर से, उनको समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संत समाज जो है बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ है, वो इसी तरह से अपना काम जारी रखे, संत समाज सहयोग करेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी, धन्यवाद, जय हिंद।